दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश के साथ सुबह की शुरुआत, आसमान में बादलों का डेरा। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, सुबह 3 घंटे तक होगी जबरदस्त बारिश। सुबह 9 बजे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जगहों पर भारी बारिश। सुबह काम पर जाने वालों को हो सकती है मुश्किल, बारिश की वजह से जल जमाव की आशंका। जारी की गई एडवाइजरी, जल जमाव वाले इलाके से बचकर निकलें। अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने देश को किया संबोधित, मिशन अफगानिस्तान को बताया दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन। बाइडेन के मुताबिक अमेरिकी फौज ने युद्ध में नहीं बल्कि मदद के दौरान उठाया जोखिम, दूसरों के लिए खतरे में डाली खुद की जान। करीब 200 अमेरिकी नागरिक अभी भी अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में रुके, बाइडेन ने कहा अगर वो चाहेंगे तो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं बाहर। बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी के फैसले को फिर से ठहराया सही, कहा देश के बेटे बेटियों को नहीं चढ़ा सकते बलि। After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war. अफगानिस्तान की जमीन का अमेरिका के खिलाफ ना हो दोबारा इस्तेमाल, बाइडेन के मुताबिक अब यही है सबसे बड़ी प्राथमिकता। अपने नागरिकों के अलावा अमेरिका ने करीब 1 लाख अफगानी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला, बाइडेन के मुताबिक दुनिया के किसी देश ने नहीं चलाया इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएसआईएस आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दी चेतावनी, कहा कहीं से भी ढूंढ कर देंगे किए की सजा। अमेरिका के जाने के बाद काबुल की सड़कों पर उमड़े तालिबानी, अमेरिकी झंडे लपेट कर निकाला नकली जनाजा। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने ली काबुल एयरपोर्ट की तलाशी, हथियारबंद लड़ाकों ने की चप्पे चप्पे की छानबीन। फौजी कमांडरों की शक्ल में नजर आए तालिबानी लड़ाके, अफगान फौज से हासिल किए नाइट विजन डिवाइस समेत अत्याधुनिक उपकरण। तालिबान के खिलाफ हिंदुस्तान की पहली औपचारिक बातचीत, दोहा में भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद। तालिबान की ओर से की गई थी भारतीय राजदूत से मुलाकात की अपील, दोहा के भारतीय दूतावास में हुई बैठक। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत, आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने जताई चिंता। तालिबान से भारत की बातचीत पर AIMIM नेता सदुद्दीन ओवैसी का तंज, पूछा सवाल क्या तालिबानियों को पिलाई भारत ने चाय। मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल से फोन पर की बात, अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। सामने आने लगा तालिबान का तांडव, अमेरिकी समर्थक को हेलीकॉप्टर से फांसी देकर पूरे शहर में घुमाया। तालिबानियों ने अमेरिकी टैंकों पर भी किया कब्जा, टैंकों के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो। NIA की लिस्ट में वॉन्टेड करीब 25 भारतीय आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद, ISIS में हुए थे शामिल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगरहार में हो सकते हैं ISIS के भारतीय आतंकी, तालिबान ने जेल से किया था रिहा। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में भारत के लिए राहत की खबर, 2021-22 की पहली तिमाही में करीब 20% दर्ज हुई GDP विकास दर। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मिला बड़ा उछाल, आखिरी तिमाही में 1.6% पर थी GDP विकास दर। GDP आंकड़ों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, पी चिदंबरम का बयान, अभी भी पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था की हालत खराब, सरकार को आगे की बेहतरी की उम्मीद, मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम का बयान, जल्द हासिल करेंगे कोरोना से पहले वाली स्थिति। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बरसे पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्य में अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप। जलियांवाला कांड पर राहुल गांधी से अलग कैप्टन के सुर, बोले जरूरी था मरम्मत का काम, उद्घाटन में मैं भी मौजूद था। जलियांवाला बाग के पुनर्निर्माण को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, शहीदों का बताया अपमान। राहुल के बयान पर सुलग रही है सियासत, मुख्तार अब्बास नकवी बोले शहीदों का सम्मान करें, राजनीति बंद करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्हें इन्होंने इतिहास के पन्नों में छिपा दिया था, अब वो भी सामने आ रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। पंजाब कांग्रेस की कलह ने बढ़ाया है पार्टी आला कमान का सिरदर्द, हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से की मुलाकात। बढ़ता जा रहा है करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का विवाद, कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई शिकायत। किसानों के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर ने साधा हरियाणा के CM पर निशाना, कहा किसान नेताओं को मैंने नहीं खिलाई थी मिठाई।
किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सफाई, आज तक से बोले कानून व्यवस्था बनाए रखना भी है जरूरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने करनाल के एसडीएम की भाषा को बताया गलत, लेकिन विवाद में किया बचाव। की जाएगी ये तो शब्द टाले जा सकते थे, लेकिन सख्ती नहीं की जाएगी ये तो उनको तो प्रशासन की ओर से जो यानी करने के लिए कहा जाता। हिंदुस्तान में तालिबान जैसी पाबंदी चाहता है जमीयत उलेमाए हिंद, लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजने की वकालत। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जमीयत उलेमाए हिंद के बयान का किया समर्थन, खालिद राशिद फिरंगी बोले मौजूदा हालात में बेहतर है लड़कियों को अलग से शिक्षा। कोई हरज नहीं है, तो स्कूल लेवल तक तो कोई एजुकेशन में कोई हरज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की जरूरत है। को एजुकेशन पर पाबंदी को वकालत करने वालों पर बीजेपी का हमला, केशव प्रसाद मौर्य बोले शरीयत वाली सोच से नहीं संविधान से चलेगा देश। वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दे, पाकिस्तान को दे। आज से समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा, यूपी चुनाव को लेकर हलचल तेज। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्शन में, आज दिल्ली से सटे नोएडा में निकालेगी तिरंगा यात्रा। नीमच कांड में और भड़की सियासत, कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से की बात, सरकार से की 1 करोड़ मुआवजे देने की मांग। मुंबई में शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक, अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। जेडीयू बैठक में नीतीश को पीएम मटेरियल बताने पर तेजस्वी का तंज, कहा नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री। दिल्ली राजस्थान समेत कई राज्यों में आज से खुल रहे हैं स्कूल, सख्त गाइडलाइंस के साथ चलेंगी कक्षाएं। यूपी में स्कूल खोलने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, इसी हफ्ते हो सकती है सुनवाई। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मरीज, 115 की मौत। थाने में सिंगर फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में दिखी कोरोना नियमों पर लापरवाही, बिना मास्क के जमा हुई भीड़। कानपुर में शुरू हुआ भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का परीक्षण, 30 वॉलंटियर को दी गई डोज। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने फिर बनाया रिकॉर्ड, मंगलवार को लगाए गए 1,28,00,000 टीके। इंदौर में अब तक 28,08,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में पहला नंबर। पुणे में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2,00,000 लोगों को लगे टीके। जलपाईगुड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर में भगदड़, 25 लोग घायल। जमुई में वैक्सीनेशन सेंटर बदलने से लोगों का हंगामा, हाईवे पर लगाया जाम। हुगली में रिश्वतखोरी के आरोप में फंसी टीएमसी की महिला पंचायत सदस्य, आवास योजना के लिए पैसे लेते हुए वीडियो वायरल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, दुकान में घुसे हथियारबंद लोगों ने की लूटपाट और मारपीट। फरीदाबाद में दही हांडी के दौरान हुए विवाद में चली गोली, एमबीबीएस छात्र की मौत। टॉलीवुड ड्रग रैकेट में ईडी की कार्रवाई तेज, हैदराबाद में फिल्म डायरेक्टर से 10 घंटे तक पूछताछ। एमपी के हरदा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर मामले का खुलासा। हाजीपुर में दिखी बाढ़ की झकझोर देने वाली तस्वीर, पानी में फंसी बुजुर्ग महिला खाने के लिए तरसी। दरभंगा में बागमती नदी में फिर आया उफान, कई गांव में फिर घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के कई जिलों में फिर लौटी बाढ़ की तबाही, दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने बोट से लिया हालात का जायजा। संत कबीरनगर में बाढ़ के पानी से घिरा बंदरों का झुंड, ग्रामीणों ने किया खाने का इंतजाम। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से बिगड़े हालात, बाढ़ में फंसे 10 दिन के गैंडे के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पास धसा पहाड़, चट्टानी गिरने से हॉस्टल की इमारत को नुकसान। ईटानगर में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, हाईवे पर भरा पानी, कई वाहन फंसे। 5 घंटे की बारिश से मथुरा में आया सैलाब, सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंसे। गोरखपुर में तेज बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारों की बस्तियों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के बीड में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में भरा पानी, फसलों को नुकसान। झमाझम बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की मुश्किल, ज्यादातर इलाकों में भरा पानी।
नहीं बदली देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, घंटे भर की बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश ने दिल्ली के पॉश इलाकों की बिगाड़ी सूरत, इंडिया गेट और संसद भवन के करीब के इलाकों में भरा पानी। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, घंटों तक परेशान होते रहे लोग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भारी बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, बरसाती पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। राजस्थान के बारा में दर्दनाक हादसा, आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बारा में ही एक और हादसे में मासूम भाई बहन की मौत, बारिश के दौरान बिजली का तार टूटने से फैला करंट। झाबुआ में कैदियों से करवाया जा रहा है जेलर के बंगले पर घरेलू काम, वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। सूरत में ऑटो चलाते हुए ड्राइवर की अचानक मौत, सीसीटीवी में दर्ज हुआ हादसा। रायबरेली में मंदिर की जमीन पर कब्जे के लिए भूमाफियाओं की धमकी, संतों ने डीएम और एसपी से लगाई गुहार। गोवा में डॉक्टर की पिटाई पर भड़का बवाल, मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नादिया में बेटों ने पार की बेशर्मी की हद, संपत्ति के लिए बुजुर्ग मां से की मारपीट, बाल भी काटे। बरेली में बेटों ने बुजुर्ग पिता को रस्सियों से बांधा, पिता का आरोप, संपत्ति के लिए किया गया प्रताड़ित। छिंदवाड़ा में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में नया खुलासा, जालसाजों ने फर्जी एफआईआर और फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए की धोखाधड़ी। प्रयागराज में झुग्गी बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस की पहल, टीचर बनकर आईजी ने ली क्लास। भीलवाला में युवक से सरेआम मारपीट और बदसलूकी, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना में रेहड़ी दुकान चलाने वाले नाबालिग पर पुलिस वालों ने की दबंगई, लड़के पर फेंकी गर्म चाय। दिल्ली में मासूम बच्ची से रेप की वारदात, भड़की भीड़ ने आरोपी को पीटा। श्रीगंगानगर के कॉलेज हॉस्टल में छात्रा से रेप की कोशिश, हॉस्टल संचालक गिरफ्तार। गुरुग्राम के पॉश इलाके सन सिटी के फ्लैट में लाखों की चोरी, सीसीटीवी वीडियो में दिखे चोर। अंबाला में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने जलती चिता से शव निकालकर की जांच की मांग। जौनपुर में पति की हत्या के आरोप में महिला शिक्षा मित्र गिरफ्तार, सिर पर लाठी के वार से हुई थी शख्स की मौत। कानपुर में बेटी को चप्पल से पीटने वाला पिता गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में बावरिया गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 2 लुटेरे गिरफ्तार। उत्तराखंड के विकास नगर गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, नशाखोरी के चक्कर में की थी वारदात।